नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं को, आपको स्वागत है आपके ही चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज के चैनल में, इस वरदान में, आपको अगर और चीज़ एक्सप्लोर करनी है वरदान के अलावा भी, तो आप जा सकते हैं नीचे जो लिंक दिया गया है वो प्लेलिस्ट में लेके जाएगा, और वहाँ पे आप जाकर डिप्रेशन के बारे में, वहाँ पे जाकर के आप रिलेशनशिप्स के बारे में, वहाँ पे जाकर के आप हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, और साथ ही साथ एक्सरसाइजेस चेयर पे बैठकर कैसे करनी, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देखें आज के ईश्वरी वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या है। पापा कहते हैं नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, तीनों चीजें स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार में चले समझे इनको, क्या है मतलब इनका। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो, आप कुछ किसी को कह रहे हो लेकिन आपको खुद ही विश्वास नहीं है, तो फिर उसका इफेक्ट कितना होगा औरों के ऊपर। तो आप जो कह रहे हो उसके पीछे बहुत एक्सपीरियंस और बहुत पावर हो, आपके थॉट्स में आपको पता हो कि वो चीज़ होती है, हो सकती है, ये स्पिरिचुअलिटी की भी ताकत है। तो परमात्मा कहते हैं करते हो तो मनसा पावरफुल हो, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, थॉट्स के द्वारा दूसरों के थॉट्स को गाइड करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो पॉजिटिविटी की तरफ। फिर आप कहते हैं अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइंड देकर नॉलेजफुल बनाओ, तो थॉट्स के द्वारा और के थॉट्स को गाइड करो, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो कि वो कहीं फिर से नेगेटिव ना हो जाए, कहीं फिर से डिप्रेशन में ना चले जाए। तो अपने पावरफुल थॉट्स के द्वारा और वाणी के द्वारा उनको लाइट दो, उनको माइंड दो। लाइट मीन्स शो देम द डायरेक्शन, वो क्या डायरेक्शन देनी है, कौन सी दिशा में उनको सोचना है, कौन सी राइट दिशा है, उस पर ही टिके रहे वो, उसके लिए माइंड देनी जरूरी है। किसी किसी को पता होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी है लेकिन ताकत नहीं होती कि पॉजिटिव थिंक करे उसके बारे में, तो उनको ताकत कैसे मिले, मेडिटेशन से मिलती है ताकत, सेल्फ अफर्मेशन से मिलती है ताकत। अगर आप उनको स्वमान सिखाते हैं जो कि वो हर दिन यूज़ करते रहे, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा का पवित्र बच्चा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं अभी जो दिखता है आजू बाजू वो नहीं हूँ, मैं तो बहुत पहले इस धरती पर उतरी हुई आत्मा हूँ, शक्तिशाली, बहुत सारी चीज़ें हैं, अफर्मेशंस हैं जो कि गुप्त हैं, जो कि परमपिता परमात्मा ब्रह्म कुमारी जी सिखाते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। वो देना, वो लाइट और माइट हो गई। फिर पापा कहते हैं नॉलेजफुल बनाओ उनको, और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। अगर फैमिली में मज़ा ही नहीं है, अगर फैमिली में आपस में मेल जोल नहीं है, तो क्या होता है, बाहर वाले जो आते हैं वो आपकी फैमिली को कैसे समझते हैं। एग्जैक्टली, तो रमणीकता हो उस फैमिली में, मज़ा हो, हल्कापन हो। इसके लिए ये नहीं कि आपको चुटकुले कुछ बोले हैं या आपको डांस करना है उनके सामने, नाच गाना करना है ताकि वो लोग खुश हों, नहीं, वो चीज़ें तो है ही हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले उनको मज़ा आया आपकी फैमिली के साथ में रहने के लिए, स्पिरिचुअल फैमिली के साथ में, आपकी संगत में मज़ा आया उनको, बोरियत ना हो उनको। फिर पापा कहते हैं अनुभव कराओ, ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे, तब जा करके हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। किसी को हेल्प करनी है तो थॉट्स मतलब मनसा, वर्ड्स वाचा और एक्शंस कर्मणा, ये तीनों चीज़ों में बाबा ने जो बताया उन चीज़ों को अगर हम मिक्स कर दें तो वो पावरफुल सेवा होती है। या अगर आपको किसी को हेल्प करना है, अपने साथी को, संबंधी को, तो इस प्रकार से करें, थॉट से शक्ति, उनको पॉजिटिविटी, वर्ड्स में उनको लाइट और उनको शक्ति दें कि कैसे अफर्मेशंस यूज़ करनी, क्या क्या यूज़ करनी है, और एक्शंस करके दिखाएं उनको, सिर्फ बोलना नहीं। ये तीनों चीज़ें आपको शक्तिशाली बनाएंगी औरों को हेल्प करने के लिए। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इन तीनों विधियों को इस्तेमाल करें, औरों की मदद करें, लेकिन सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपनी खुद की तो मदद करें। तो आज के ये ईश्वरी वरदान, अगर आपके पास में कोई कमेंट हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, औरों के साथ में अगर शेयर करना चाहें, किसी को भला हो सकता है इससे, तो उनका भी भला करें। ओम शांति।